Hello friends and welcome back to our YouTube channel Civil Engineering and Learning Technology. Friend, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए जिस और आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स. सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में फ्रेंड क्वालिटी कंट्रोल का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है. क्वालिटी कंट्रोल के काम के लिए आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सेंट्रल जगह पर या अपनी साइट पर ही आपको वहाँ पर लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करना होती है. तो फ्रेंड लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए उनकी और किस इक्विपमेंट का क्या काम होता है, ये सारी जानकारियाँ मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा. फ्रेंड तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करना फ्रेंड. और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में दूसरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो. ओके फ्रेंड, तो मेरे सामने मेरी डिस्प्ले पर जो आप टेबल देख रहे हैं ये टेबल मैंने मोर्थ के सेक्शन 100 से ली है और टेबल का नंबर है 100-2 लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स एज पर स्टैंडर्ड. और एक आइडियल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं फ्रेंड ये सारे इक्विपमेंट्स आपको इस टेबल की हेल्प से मालूम हो जाएंगे. तो चलते हैं सीरियल नंबर वन में. हमारा सीरियल नंबर वन में हमारा आता है वे वैलेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेट वैलेंस जिनकी हेल्प से आप किसी भी मटेरियल सैंपल का वजन तोलते हैं वो आप कहलाते हैं वेट वैलेंस. तो वेट वैलेंस में ए है हमारा 5 to 20 केजी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस और इसकी एक्यूरेसी होना चाहिए 1 ग्राम और इसकी मात्रा आपको चाहिए 1 नंबर. 500 ग्राम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिसकी एक्यूरेसी होना चाहिए 0.01 ग्राम, ये आपको 1 चाहिए है. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 5 केजी कैपेसिटी जिसकी एक्यूरेसी 0.5 ग्राम, ये भी आपको 1 नंबर चाहिए है. प्लेटफॉर्म बैलेंस स्केल 300 केजी कैपेसिटी, ये चाहिए आपको 1. देखो प्लेटफॉर्म बैलेंस क्या होता है फ्रेंड, प्लेटफॉर्म बैलेंस जब आप बल्क में सैंपल लाएंगे या सैंपल की मात्रा काफ़ी अधिक होगी, मान लीजिए आपको 5-6 बोरी या 200-250 किलो सैंपल एक बार में तोलना हो तो वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म टाइप का बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है जो भी आपको 1 नंबर या 1 यूनिट लगेगी. ई है हमारा केमिकल बैलेंस, 100 ग्राम कैपेसिटी, एक्यूरेसी होना चाहिए इसकी 0.001 ग्राम, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लीजिए, नहीं हो तो आप नहीं भी लीजिए. नंबर 2 है हमारा ओवन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड इंक्लूडिंग थर्मोमीटर स्टेनलेस स्टील इंटीरियर और इसकी रेंज है हमारी 0 डिग्री से लेके 220 डिग्री सेंसिटिविटी और लीस्ट काउंट है इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी मात्रा है चाहिए हमें 1 नंबर. जो आपका ओवन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक ओवन आपको चाहिए होगा जो 0 डिग्री से लेकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता हो और इसकी सेंसिटिविटी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो. नंबर 3 हमारा सीव साइज, सीव सेट जो IS सीव होते हैं जिनकी मदद से आप एग्रीगेट का ग्रेडेशन करते हैं, तो वो सीव सेट हमें 450 mm डाया का एक सेट चाहिए होगा और 200 mm डाया के 2 सेट चाहिए होंगे. ओके फ्रेंड, जो हमारी सीव साइज़ रहेगी वो हर मटेरियल के हिसाब से अलग अलग होती है जो कि आप पर्टिकुलर मटेरियल के ग्रेडेशन के चार्ट के हेल्प से देख सकते हैं. नंबर 4 है हमारा सीव सेकर, ये हमें चाहिए 1 नंबर. नंबर 5 है हमारा 200 टन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन यानी कि 2000 किलो न्यूटन की हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन चाहिए होगी जिसकी हेल्प से आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं कंक्रीट का. नंबर 6 स्टॉप वॉच 1/5 सेकेंड एक्यूरेसी की एक स्टॉप वॉच चाहिए. नंबर 7 ग्लास बेयर चाहिए, ग्लास बेयर में हमें क्या क्या चाहिए है, बीकर चाहिए, पिपेट चाहिए, डिशेस, मीजरिंग सिलेंडर, जार्स चाहिए, ग्लास रोड चाहिए, फनल चाहिए, ग्लास थर्मामीटर चाहिए, मेटलिक थर्मामीटर चाहिए और ये हमें प्रत्येक आइटम के 2-2 नंबर चाहिए होंगे. हॉट प्लेट जिस पे आप किसी भी मटेरियल या सैंपल को गर्म करते हैं 1 नंबर चाहिए. इनेमल ट्रे, ट्रे जो होते हैं जिनमें आप सैंपल को कलेक्ट करते हैं ट्रे चाहिए आपको, जिनके साइज दिए हुए हैं 2-2 नंबर सभी ट्रे चाहिए आपको. वाटर टेस्टिंग किट चाहिए जिसकी हेल्प से आप वाटर का टेस्ट करते हैं कि वाटर आपका पोर्टेबल है या नहीं, तो वाटर टेस्टिंग किट हो जाएगी आपकी. और सॉइल टेस्ट के लिए आपको वाटर स्टीलर चाहिए, वाटर स्टीलर फैन जिसकी हेल्प से आप स्टिल वाटर, माफ़ कीजिए, डिस्टिल वाटर का
निर्माण करते हैं तो वाटर स्टीलर कहलाता है वाटर। तो ये आपको ऑप्शनल है, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड लिमिट एपरेटस एक नंबर, सैम्पलिंग पिपेट एक नंबर, नंबर चार है हमारा कॉम्पैक्शन एपरेटस एज पर IS 2720 पार्ट 7 कंप्लीट विथ कॉलर बेस प्लेट एंड हैमर एंड ऑल अदर एसेसरीज, हमें चाहिए एक सेट, ठीक है। और मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन एपरेटस मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए हमें चाहिए एक सेट, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट के लिए चाहिए हमें सैंड पोरिंग सिलेंडर, हमें ये चाहिए दो नंबर। और एनोर सैंड जो कि आपकी मद्रास सैंड भी बोलते हैं आपसे, कैलिब्रेटेड सैंड होती है वो हमें चाहिए, जो भी एज पर आपके लगते क्या होता है मद्रास सैंड जो होती है या एनोर सैंड होती है वो हमारे जैसे जैसे टेस्ट करते जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है, तो ये हमें जब भी ज़रूरत पड़े तब हमें ख़रीदना पड़ती है। सैम्पलिंग टिन या कंटेनर चाहिए चार सेट, लैब CBR इक्विपमेंट्स हमें चाहिए एक सेट, CBR मोल्ड 150 mm डाया और 175 mm हाइट के 6 सेट चाहिए आपको, 6 सेट मतलब 6 पीस आपको CBR मोल्ड के चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए 4, CBR प्लंजर चाहिए आपको एक, सरचार्ज वेट चाहिए 6, सरचार्ज वेट जो CBR मोल्ड के ऊपर आप सॉयल CBR मोल्ड को जब आप 96 घंटे के लिए पानी में डाल के रखते हैं तो उस पर जो आप राउंडेड वेट डालते हैं उनको आप बोलते हैं सरचार्ज वेट, ठीक है। स्पेशल डिस्क 2, परफोरेट प्लेट 2, सोकिंग टैंक या जिसमें आप CBR मोल्ड को डालेंगे तो सोकिंग टैंक चाहिए आपको 2, प्रूवे रिंग 1000 केजी की चाहिए और एक चाहिए आपको 2500 केजी की, एक एक चाहिए है, डायल गेज चाहिए आपको 25 mm का 2, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इक्विपमेंट आपको एक चाहिए जिसकी हेल्प से आप बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। नंबर 11 है न्यूक्लियर मॉइस्चर डेंसिटी मीटर, ऑप्शनल है, चाहिए अगर ज़रूरत हो तो लीजिए नहीं तो नहीं लीजिए। स्पीड मॉइस्चर मीटर जिसको रैपिड मॉइस्चर मीटर ही बोलते हैं हमें एक चाहिए है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट अप्रेशर एक चाहिए है। अब हम चलते हैं बिटुमिन के टेस्ट के लिए, तो बिटुमिन टेस्ट में हमारे सबसे पहले आता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाद फॉर एकोमोडेटिंग बिटुमिन टेस्ट स्पेसिमेन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल, हमें एक वाटर बाथ चाहिए एक नंबर, पेनिट्रोमीटर पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए एक नंबर, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूज टाइप एपरेटस कंप्लीट विद एक्सट्रैक्शन थिम्बल्स विद सॉल्वेंट एंड फिल्टर पेपर, जो आपका बिटुमिन एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं आप इसको जिसके हेल्प से आप बिटुमिन कंटेंट टेस्ट करते हैं आपको चाहिए एक, बिटुमिन लेबोरेटरी मिक्सर इंक्लूडिंग रिक्वायर्ड एसेसरीज, जो बिटुमिन को मिक्स करने के लिए जो मिक्सर आता है वो आपको चाहिए एक नंबर चाहिए 20 लीटर का, मार्शल कॉम्पैक्शन टेस्ट अप्रेशर आपको एक टेस्ट एक सेट चाहिए, बिस्कोमीटर फ्यूरल बिस्कोमीटर एक नंबर, डक्टिलिटी टेस्ट करने के लिए जिसके हेल्प से बिटुमिन का डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं एक नंबर चाहिए, सॉफ्टनिंग पॉइंट सॉफ्ट रिंग एंड बाल अप्रेटस जिसको बोलते हैं आप आपको एक नंबर चाहिए है, डिस्टेंस रीडिंग थर्मामीटर जिसको आप इंफ्रारेड थर्मामीटर ही बोलते हैं जिससे कि आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर दूर से ही नाप सकते हैं आपको, ऑप्शनल है अगर ज़रूरत हो तो लीजिए नहीं तो नहीं लीजिए, रिफिल बॉक्स जिसके हेल्प से आप सैंपल का रिफिलिंग करते हैं एक नंबर चाहिए है, ऑटोमेटिक एस्फाल्ट कंटेंट आपको एक नंबर चाहिए, थिन फिल्म ओवर टेस्ट एपरेटस फॉर मॉडिफाइड बाइंडर आइदर विथ PMB और CRMB, जब आप पॉलीमर बिटुमिन यूज करते हैं या क्रम रबर बिटुमिन यूज करते हैं तो आपको ये एपरेटस लगता है तो ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। नंबर 13 है मास्टिक एस्फाल्ट हार्डनेस टेस्टिंग इक्विपमेंट, ऑप्शनल है, सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट अपरेटस एक सेट चाहिए है, कोर कटिंग मशीन आपको एक सेट चाहिए है, थर्मामीटर चाहिए चार सेट, वाटर स्टीलर एक सेट चाहिए आपको। अब हम सीमेंट के टेस्ट पे आ गए हैं तो सीमेंट के टेस्ट के लिए फ्रेंड वाटर स्टीलर एक नंबर, विकेट निडिल या विकेट अपरेटस आपको एक नंबर चाहिए, मोल्ड 50x50 के जो मोल्ड रहेंगे आपके क्यूब कास्टिंग के लिए वो आपको माफ़ कीजिए ये है 150 mm by 30 mm हाइट सिलेंडर, जो आपका कॉन्क्रीट का सिलेंडर कास्ट करेंगे वो कास्टिंग के लिए जो सिलेंडर है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से 6 या 9 जितने आपको चाहिए उतने आप ले सकते हैं, क्यूब 150x150 ये क्यूब हैं हमारे वो हमें एस रिक्वायर्ड जितनी ज़रूरत उतने आप ले सकते हैं, कॉन्क्रीट परमेबिलिटी अपरेटस एस रिक्वायर्ड के हिसाब से ले लीजिएगा,
हाई फ्रिक्वेंसी मोटर क्यूब वाइब्रेटर मशीन ज़रूरत के हिसाब से लेना है। कंक्रीट मिक्सर 1 क्यूबिक फीट कैपेसिटी के ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिएगा। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग टेबल, जो क्यूब को वाइब्रेशन करने के लिए टेबल आती है वो आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। नंबर 8 है फ्लैकनेस इंडेक्स, जिसकी हेल्प से आप एग्रीगेट का फ्लैकनेस और एलॉन्गेशन टेस्ट करते हैं। आपको एक सेट चाहिए। एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट की मशीन चाहिए एक। लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट की मशीन चाहिए आपको एक। फ्लो टेबल चाहिए, फ्लो टेबल जिसके सीमेंट का फ्लो आप टेस्ट करेंगे तो उसके फ्लो टेबल, कांक्रीट या सीमेंट का फ्लो टेस्ट करने के लिए टेबल IS 712-1973 से आप ले सकते हैं। इक्विवेलेंट फॉर स्लम टेस्ट, इक्विपमेंट फॉर स्लम टेस्ट, स्लम टेस्ट का इक्विपमेंट चाहिए आपको एक। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्विपमेंट चाहिए आपको एक। फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, तो इसके लिए कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के लिए आपको पिकनोमीटर जो होता है वो आपको एक नंबर चाहिए। कंप्रेशन एंड फ्लेक्चरल टेस्टिंग मशीन 200 टन कैपेसिटी की, जो आपकी बीम टेस्ट की मशीन आती है वो आपको एक नंबर चाहिए है। कोर कटिंग मशीन चाहिए आपको 10 सेंटीमीटर डाया वाली एक। निडल वाइब्रेटर चाहिए आपको दो, जिससे कि आप क्यूब कास्टिंग कर सकें, जब मिक्स डिजाइन करेंगे तो क्यूब में आप निडल की हेल्प से वाइब्रेशन दे सकें। नंबर 17 हमारा एयर इंट्रेनमेंट मीटर, कंक्रीट में कितनी एयर मिक्स है वो नापने के लिए इसका यूज होता है। तो ये आपको ऑप्शनल है। 0.5 क्यूबिक फीट 1 क्यूबिक फीट सिलेंडर फॉर चेकिंग वर्क डेंसिटी, एग्रीगेट की वर्क डेंसिटी चेक करने के लिए हमें ये सिलेंडर लगते हैं। इसकी ज़रूरत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। साउंडनेस टेस्ट, सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट के लिए एक आपको चाहिए है। फिर आता है फॉर कंट्रोल ऑफ प्रोफाइल एंड सरफेस इवननेस, आप जी रोड की जो सरफेस और प्रोफाइल को चेक करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। तो हमें टोटल स्टेशन एक सेट चाहिए है। प्रिसीजन ऑटोमेटिक लेवल विथ माइक्रोमीटर अटैचमेंट, ऑटो लेवल चाहिए आपको एक सेट। डिस्टोमेट और इक्विवेलेंट आपको एक सेट चाहिए है। थियोडोलाइट चाहिए आपको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड थियोडोलाइट एक सेट। प्रिसीजन स्टाफ, स्टाफ के दो सेट चाहिए है। 3 मीटर स्ट्रेट एज एंड मेजरिंग वेज आपको एक सेट चाहिए है। मेजरिंग वेज जिसके हेल्प से आप जो अंडुलेशन या डिप्रेशन है वो नाप सकते हैं। कैम्बर मशीन चाहिए, कैम्बर जो प्लेट होती है कैम्बर टेम्पलेट आपको चाहिए है। क्राउन टाइप एक चाहिए है और स्ट्रेट क्रॉस सेक्शन टाइप की दो चाहिए आपको। स्टील टाइप 5 मीटर की दो, 10 मीटर की दो, 20 मीटर की दो, 30 मीटर की दो और 50 मीटर की एक चाहिए। नंबर 9 है हमारा रफोमीटर या बम्प इंटीग्रेटर। रफोमीटर या बम्प इंटीग्रेटर फ्रेंड क्या होता है, जो आपकी रोड पे जो प्रोफाइल होती है उस रोड की प्रोफाइल की स्मूथनेस को चेक करने के लिए ये रफोमीटर यूज किया जाता है। और फ्रेंड नोट भी इन्होंने दिया, नोट में क्या लिख रहे हैं, द आइटम एंड देयर नंबर लिस्टेड अबव इन दिस सेक्शन आर इंडिकेटिव एंड शैल बी डिसाइडेड बाय द इंजीनियर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। देखो ये बोलना चाह रहे हैं, ये जो लिस्ट में इक्विपमेंट दिए हैं फ्रेंड, तो ये इक्विपमेंट आपके जो एक आइडियल या स्टैंडर्ड लेवल में होना चाहिए वो दिए हों, लेकिन ये इक्विपमेंट में जो आइटम है वो आइटम आप कुछ आइटम कम भी कर सकते हैं आपकी प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपका सारा कंक्रीट का प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर आपको जो बिटुमेन टेस्ट के इक्विपमेंट है उनको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिटुमेन टेस्ट के इक्विपमेंट हटा सकते हैं। या आपका सारा का सारा बिटुमेन का वर्क है तो आप वहाँ से कंक्रीट के आइटम हटा सकते हैं, या जो भी आपको एज पर रिक्वायर्ड आपके जो इंजीनियर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सामग्री इस अपनी लैब में रख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये जो लिस्ट है मैं इसका एक PDF मेरी डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड फिर से मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।